हर हर महादेव, जय माता दी। आज वीडियो में जानेंगे जब दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात दीपक में फूल बनता है और जब वह फूल हम उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कई बार मैं भी इससे पहले आप सभी को बता चुकी हूँ कि दीपक में फूल बनता है तो उसका दिव्य प्रयोग आप सभी को कैसे करना चाहिए, उस फूल का क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मन में सवाल आता है कि दीपक में फूल बनने के बाद बाती जो है पूर्ण रूप से भस्म हो जाती है, या वह जो है अब जो फूल हमें दिखता है जब दीपक प्रज्वलित होता है उसके पश्चात जो है वह फूल है गायब सा हो जाता है और हम उसका उपयोग कैसे करें। कहने का अर्थ है दीपक में फूल जो बनता है वह अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, इसका क्या अर्थ है, कैसे उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले दीपक में फूल बनना काफ़ी शुभ माना जाता है, हमारी पूजा जो है यह मान लीजिए कि भगवान ने ग्रहण कर ली है, स्वीकार कर ली है, इसके पश्चात जो है दीपक में फूल बनता है। ऐसे में जब वह दीपक में फूल बनने के पश्चात जब उसकी अलग अलग आकृतियाँ बनती है, कभी डमरू की सी आकृति, कभी माता रानी के नेत्र जो है उस पर अंकित होते हुए दिखते हैं, या अन्य संकेत चांद की सी आकृति, भगवान गणेश की सी प्रतिमा उसमें होती है प्रदर्शित, भगवान अलग अलग स्वरूपों में हमें दर्शन देते हैं, अलग अलग आकृतियों का अर्थ होता है भगवान की अलग अलग छवि। ऐसे में जब दीपक में फूल बनने के पश्चात मन में सवाल आता है कि वह अदृश्य क्यों हो जाती है, गायब क्यों हो जाती है, जैसे शास्त्रों में और वेद पुराणों में यह वर्णित है कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई देती है तो वह गायब होना उसका एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमें अपने इस नश्वर शरीर का त्याग भी करना ही पड़ेगा। प्रभु ने भी हमारे मार्ग को, जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए श्री रामचंद्र का जी का अवतार लिया था, भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था, उसी प्रकार से भगवान जो है दीपक में साक्षात प्रकट होते हैं फूल बनाकर या अन्य उस तरह के हमें संकेत देते हैं। तो कोई भी वस्तु जो है पूर्ण रूप से प्रदर्शित होती है तो उसका अदृश्य होना भी स्वाभाविक है। ऐसे में जो भक्तजन होते हैं मन में सोचते हैं अभी तो दीपक में फूल बना था परंतु जब ज्योत ठंडी हो गई है तो वह दीपक में जो फूल बना था वह अदृश्य हो गया, गायब हो गया, यह क्या संकेत है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यह काफी शुभ संकेत है, परंतु दूसरी ओर जब वह संकेत गायब होना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। जिस तरह से कोई भी हम यह इसका अर्थ यह लगा सकते हैं जैसे कि कोई फल जो है फूल के रूप में प्रकाशित होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वह पूर्ण अवस्था में फल बनता है और फल बनने के बाद या यह कह लीजिए कोई भी पेड़ जो है अंकुरित होता है, धीरे धीरे वह अपने पूर्ण रूप में होता है, फल देता है, उसके पश्चात जो है वह धीरे धीरे वृद्ध होता होता सूखता चला जाता है, अंत में उसके जो है अंतिम स्वरूप में पहुँचता है। जिस तरह से शरीर जो है धीरे धीरे बड़ा होता है या किसी भी तरह से कोई भी वस्तु जो है पहले छोटी अवस्था में होती है वह पूर्ण रूप से प्रदर्शित होती है, भगवान जिस तरह से हमें किसी भी रूप में दर्शन देते हैं ठीक उसी तरह से दीपक में फूल भी है, वह धीरे से हमें प्रकाशित होता हुआ दिखता है, भगवान की छवि दिखती है, उसी तरह से धीरे धीरे वह जो है अदृश्य होती चली जाती है। सीधा सा अर्थ यही है कि दीपक में फूल बन रहा है, उसके पश्चात जो है भगवान अपनी झलक दिखा रहे हैं, उसके पश्चात वह गायब हो जा रहे हैं। इसके पश्चात जो है आप उसका दिव्य प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कि उसे जो है नज़र के इत्यादि के काम में लिया जा सकता है, नज़र दोष को दूर करने के लिए, या जो है उसका तिलक इत्यादि लगाया जा सकता है। तो भगवान उसमें आए थे, कोई भी शक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उस वह शक्ति या वह वस्तु हमें उस चीज़ में दिख रही है तो उसका प्रभाव तो वैसा ही रहना है। कोई भी वस्तु हो उसका दिव्य प्रभाव रहता ही है, भगवान के अंश है उसमें, तो सीधा सा अर्थ है वह गायब भी हो जाए तो इस तरह से सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भगवान ने अपनी झलक दिखाई थी और वह पूर्ण रूप में प्रकाशमान होने के पश्चात धीरे धीरे से अपने पुराने रूप में आ गई, परंतु शक्तियां मंत्र इत्यादि उसमें अभी भी प्रभावित है। तो दिव्य वस्तु का आप किया जा सकता है इस तरह से। आप सभी को भी कभी यह मन में नहीं लाना चाहिए कि दिव्य वस्तु हमें दिखी है, भगवान की झलक दिखी है तो वह गायब हो गई तो इसका क्या अर्थ है। इसका यही संकेत है कि वह वस्तु हमें दिखी थी, भगवान ने अपना रूप दिखाया था और धीरे धीरे भगवान जो है अदृश्य हो गए हैं। उस वस्तु का उपयोग हमें करना ही चाहिए, इसे गलत तरीके से या मन में किसी तरह की शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जरूर, आप सभी भूल जाते हैं। हर हर महादेव।